नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। प्रयागराज शंकरगढ़ क्षेत्र में दो व्यक्ति मुंबई से 21 तारीख को आए थे, जिनकी सूचना शंकरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक डॉक्टर शैलेन सिंह को मिली। उन्होंने फौरन शंकरगढ़ थाना प्रभारी वेद प्रकाश पांडे से बात करके दोनों व्यक्तियों को बुला करके जाँच के लिए प्रयागराज भेजा, जिसके बाद उन दोनों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिसके बाद शैलेन सिंह द्वारा जानकारी दी गई कि अब पूरे गाँव को जाँच के लिए भेजा जा रहा है। यह पता लगाना है कि इन दोनों व्यक्तियों के संपर्क में कौन कौन से लोग आए थे। वहीं इस खबर के बाद रीवा जिला प्रशासन पूरी तरीके से हरकत में आ गया है और रीवा शंकरगढ़ प्रयागराज सीमा से आवागमन पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। आपको बता दें कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने का निर्देश भी थाना प्रभारी जनेह के द्वारा किया गया है। शंकरगढ़ की तरफ से आवागमन करने वालों को रोकने के लिए ग्रामीणों से सहयोग करने की अपील करते हुए थाना प्रभारी जनेह प्रदीप सिंह ने ग्रामीण जनों से आग्रह किया कि यदि कोई भी व्यक्ति शंकरगढ़ की तरफ से आवागमन करता हुआ मिले तो उसे ग्रामीण जन ऐसा करने से मना करे, अन्यथा स्थिति में पुलिस को तत्काल सूचना दे, लॉकडाउन तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं खबरदार न्यूज की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। आप लोगों को शंकरगढ़ एरिया की तरफ से आपके क्षेत्र में आ रहा है तो उसे वापस भेजने में सहयोग करें, तथा यदि कोई व्यक्ति शंकरगढ़ की तरफ आता जाता पाया गया तो कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। थाना जने पुलिस का सहयोग करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।